एमपी के अमरपाटन में एक बार फिर ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी माँ ने अपने नवजात को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। अमरपाटन के बाबूपुर गांव में कलयुगी माँ ने नवजात बच्चे को जन्म देने के बाद सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। रास्ते से गुजर रहे राहगीर ने जब नवजात बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो झाड़ियों में जाकर देखा, वहां एक झोला पड़ा हुआ था जिसे कुत्ता खींच कर ले जा रहा था। राहगीर ने जब झोला खोला तो उसमें एक नवजात बच्चा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए CHC अमरपाटन भेजा। यहां से गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर भीम सिंह गोपाल भदौरिया ने बताया कि बच्चा एक हफ्ते पहले जन्मा है और उसकी हालत फिलहाल गंभीर है। वहीं पुलिस बच्चे के परिजनों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। बाबूपुर ग्राम में मैं रामनगर से लौटते वक्त जा रहा था, तो बाबूपुर गांव में इस वृक्ष पेड़ के नीचे, एक आम के पेड़ के नीचे बाथरूम करने के लिए मैं उतरा तो देखा कि ये बच्चा कराहने की आवाज़ आ रही, तो मैं उस आवाज़ के पीछे गया, देखा तो बच्चा सारा औंधे डाला रहा है। एक अज्ञात नवजात जो कि करीबन एक हफ्ते का है, उसको कुछ लोग लेके आए थे, उसका हम लोगों ने जांच की, उसका प्राथमिक उपचार किया, उसके उपरांत उसको जिला अस्पताल सतना के लिए भेजा जा रहा है SNCU के लिए, एवं पुलिस को सूचना दे दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।